नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज किसानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा संवाद करने वाले हैं। सिर्फ एक घंटे का वक्त बचा है। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी 6 राज्यों के किसानों से बात करेंगे और एक बार फिर कृषि कानून पर किसानों के कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। किसान आंदोलन का आज एक महीना पूरा हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का थोड़ी देर में किसानों के साथ होने वाला ये संवाद बहुत अहम है। आज पीएम मोदी किसानों को उनके खाते में पीएम किसान निधि की तीसरी किस्त के तहत 2,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी किसानों से संवाद करने वाले हैं और इंडिया टीवी के संवाददाता अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच हैं। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पीएम मोदी आज किसानों को क्या तोहफा देने वाले हैं। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त दी जाएगी। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। 6 राज्यों के किसानों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के 19,000 से ज्यादा जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रोग्राम में देश के 1 करोड़ से ज्यादा किसानों की भागीदारी होगी। उत्तर प्रदेश में 3,000 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये ग्रैंड आयोजन है। किसानों को फिर कृषि कानून की खूबियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताने वाले हैं। देखना यह होगा कि बार बार प्रयास करने के बाद भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के बाद भी किसान मानेंगे। लेकिन पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये संसद भवन से तस्वीर आ रही है जहां पर आज हम आपको लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और ऐसे में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। और संसद भवन परिसर की भी ये तस्वीर जहाँ उनकी पिक्चर लगी है, उनकी फोटोग्राफ लगी है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रही हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, ऐसे में उन्हें याद किया जा रहा है। प्रयास ये है कि किसानों को भी समझाया जाए कि कृषि कानून किसानों के हित में है। और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए हम ये जानकारी भी आपको दे रहे हैं कि आज कौन से मंत्री कहां पर होंगे। अमित शाह आज दिल्ली में महरौली में होंगे, तो द्वारका में राजनाथ सिंह होंगे, करोल बाग में निर्मला सीतारमण होंगी, जो प्रयास करेंगी कि किसानों को ये कानून समझ में आया। अमेठी में स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल हापुड़ में, हरदीप सिंह पुरी भी आज इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और वो दिल्ली में ही मालवीय नगर में मौजूद रहेंगे। तो असम में नितिन गडकरी सिलचर में मौजूद रहेंगे, चेन्नई में प्रकाश जावड़ेकर, गाजियाबाद जो कि वीके सिंह का संसदीय क्षेत्र भी है वहां पर वो किसानों के बीच मौजूद रहेंगे, तो लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, होशंगाबाद में शिवराज सिंह चौहान, गांधीनगर में विजय रूपाणी ये कमान संभालेंगे। पिछले 10 दिन में ये तीसरा मौका है जब मोदी किसानों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री 15 दिसंबर को कच्छ में किसानों से मुलाकात कर चुके हैं। 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान सम्मेलन में मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। तो आज ये तीसरा मौका है जब न सिर्फ किसान निधि के तहत बड़ी राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी, तो वहीं एक बार फिर से कृषि कानून के फायदे किसानों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। संवाददाता अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, ये प्रयास लगातार किया जा रहा है, सरकार के अलग अलग मंत्री कर रहे हैं, 2 बार प्रधानमंत्री कर चुके हैं, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, आज का दिन बेहद खास है, लेकिन परेशानी इस बात की है कि जितने किसान अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं, यहां पर किसानों का साफ तौर पर ये कहना होता है कि उनकी जत्थेबंदी यानी कि उनके किसान संघ के नेता जो भी तय करेंगे वही ये लोग मानेंगे। अपनी कोई राय यहाँ पर अभी ना तो बात कर रहे हैं ना ही अपनी कोई राय बता रहे हैं। पिछली बार जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें जहाँ पर किसानों से बातचीत की थी, और उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने भी चिट्ठी लिखी थी किसानों को जिसमें सच और झूठ बताया था कि किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है कि कृषि कानून किस तरीके से गलत है, उस पर भी किसानों को यही कहना था और आज भी किसानों को यही कहना है कि उनकी सिर्फ एक ही मांग है और उसी मांग पर पूरी तरीके से अड़े हुए हैं कि कृषि कानून पूरी तरीके से वापस हो। इसके अलावा वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधन करेंगे उसके बाद किसानों की क्या राय होगी वो देखनी होगी, लेकिन सुबह जब इस बात को लेकर हम टीकरी में जो किसान यहां पर बैठे हुए हैं उनके पास गए तो
उन्होंने यही कहा कि पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, और यहां तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर बात करनी है तो वो सीधा बॉर्डर्स पर बैठे हुए किसानों से बात करें, और किसी भी तरीके से ये लोग कोई संशोधन के लिए तैयार नहीं है। जो संशोधन की बात लगातार सरकार कर रही है, इतनी बैठकें हो चुकी हैं, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि बात सिर्फ इसी बात से बनेगी कि सरकार कानून वापस ले ले। और आज संबोधन के बाद किसानों, दरअसल सरकार भी ये प्रयास कर रही है, जो किसान बॉर्डर्स पे बैठे हैं उनसे भी बात करें, जो किसान इस कानून का समर्थन करते हैं उनसे भी बात करें, और जो समर्थन नहीं कर रहे हैं और बॉर्डर्स पर भी नहीं पहुंचे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों तक प्रधानमंत्री की आवाज पहुंचे, आज के इस कार्यक्रम के जरिए यही कोशिश है। इस वक्त पवन नारा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आपके साथ जो किसान इस वक्त मौजूद हैं उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं? मीनाक्षी, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये किशनगढ़ की गौशाला है जहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं, या कहें कि बीजेपी के इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग पहुंचे हैं जिनमें किसान भी हैं और बाकी आम जनता भी है। कोशिश ये है कि एक पीपल्स परसेप्शन क्रिएट किया जाए, या कहा जाए कि लोगों के बीच में जो आशंका है किसानों के अलावा, उसे दूर किया जाए। बहुत से लोग हैं। सर, जो एक किसान बिल है, इसको लेकर आपकी क्या सोच है? जायज ना जायज, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल जायज है, जायज है, जायज है। ये बिल बहुत, तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के समर्थक यहाँ आए हैं वो किसान ही नहीं है, उनको क्या कहेंगे आप? वो गलत कह रहे हैं सब, ये बीजेपी के सब किसान हैं। भाई साहब, जो वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं वो नकली किसान है। हम अपने खेतों में पानी छोड़ के आए हैं, हम असली किसान हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम कापासेड़ा दिल्ली से आए हैं। अच्छा, कापासेड़ा दिल्ली से आए हैं। कितनी जमीन है आपके पास? हमारे पास 20 बीघा, 5 एकड़। 5 एकड़ जमीन है, तो क्या बोते हैं और किस तरह से कानून आपके फायदे में? अभी फिलहाल उसमें सरसों है और गेहूँ है। सरसों और गेहूं फिलहाल बोई हुई है, कह रहे हैं कि किसान जो कानून है वो फायदे में है। कुछ और किसानों से बात कर लेते हैं। सर, आप कहां से आए हैं? गांव कापासेड़ा से आए हैं जी। कापासेड़ा से आए हैं, तो किसान कानून आपके हित में है, नहीं हित में है, आप क्या कहते किसान के तौर पर? हमारे ये जो रूल है ये हमारे किसान के जो हित में है जी। बाकी जो पब्लिक जो है, ये जो बॉर्डर पर बैठी है, ये सब गलत है। प्रधानमंत्री योजना जो भी मोदी जी ने दिया है किसान के बारे में, बहुत बढ़िया रूल दिए हैं जी, बहुत दिए। हाँ, इस कानून से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आप कह रहे हो अच्छे है, किस तरह से आपके लिए अच्छे है? अरे, आज तक जो है ना किसी भी पार्टी ने जो है ना कोई भी नकद अकाउंट में पैसे नहीं दिए। आज जो है कम से कम 18,000 करोड़ तो आप दे रहे हैं, हर साल में 6,000 रुपए महीना देते हैं। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, इस कानून से किसान के तौर पर आपको क्या फायदा होगा? फायदा क्या होगा? ये जो गुमराह कर रहे हैं ना, मंडी ये हो जाएगी, मंडी वो नहीं होगी, मंडी जारी रहेगी, चालू रहेगी, बिल्कुल। तो इन्हें इस बात पे भरोसा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मंडी जारी रहेगी, तो वो मंडी जारी रहेगी इस बात का भरोसा है? जो सम्मान निधि मिल रही है उसकी बात कर रहे हैं? ये सब वो लोग हैं जो कापासेड़ा से आए हैं। बता दें, ये रैली किशनगढ़ में है। किशनगढ़ राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। अगर आप सोच रहे हैं कि किशनगढ़ में खेती करने वाले किसान है तो शायद गलत है, लेकिन हाँ, दिल्ली के बॉर्डर वाले इलाके जहाँ किसान खेती करते हैं वहाँ से किसान आए हैं और वो इस बिल के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें लखनऊ से भी आ रही है जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल है, और लखनऊ में भी एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है जहाँ पर किसान भी शामिल होंगे, आम लोग भी शामिल होंगे। हमारे सहयोगी रुचि कुमार वहीं से जुड़ी हुई है। रुचि, ये मेगा आयोजन है, ये ग्रैंड आयोजन है जहाँ पर किसानों के साथ ये सरकार जुड़ने का एक बार फिर से प्रयास कर रही है, क्या तैयारियां लखनऊ में हैं? 45 दिवसों को मंडी शुल्क से मुक्त माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए, ये लखनऊ का मोहनलालगंज इलाका है, और लखनऊ में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसान इसी इलाके में रहते हैं। आज पूरे यूपी में 2,13,00,000 किसानों के परिवारों को करीब 4,200 करोड़ रुपए की किश्त प्रधानमंत्री जब आएंगे तब दी जाएगी। तो जाहिर है कि यहाँ भी किसानों को बुलाया गया है, लेकिन कोरोना काल है इसलिए कम लोग, कम किसान बुलाए गए हैं, दूरी बना के बैठे हुए हैं, और किसानों में एक तरह का आप कह सकते हैं इंतजार है कि उनकी जो आज की किश्त है वो जब उनके बैंक के खाते में आएगी तो जो खेती के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, फसल में बीज के लिए, वो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। मीनाक्षी, और आप देखिए, यहाँ हमारे पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच चुके हैं, और वो अब से कुछ देर में यहाँ जो किसान बैठे हैं उनको बताएंगे कि किस तरह से ये जो नया कानून है वो किसानों के हित में है। मीनाक्षी।
बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों से तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं और जो ये ग्रैंड आयोजन है उसकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों में जितने मंत्री हैं, आला नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अपने अपने इलाकों में प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को ये कृषि कानून समझ में आए। लेकिन समस्या ये है कि कुछ समझ रहे हैं, कुछ समझना नहीं चाहते, कुछ बातचीत के लिए ओपन है तो कुछ ये कह रहे हैं। जैसे टिकरी बॉर्डर पर अभय पराशर मौजूद है। अभय, आपके साथ जो किसान है वो तो ये साफ कह रहे हैं कि अब हमें चर्चा नहीं करनी है, हम चाहते हैं ये कानून रद्द हो और उसके बाद फिर नया ड्राफ्ट तैयार हो। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पर किसान फिलहाल मेरे साथ मौजूद अभी नहीं है क्योंकि वो अंदर बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि वो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन हो रहा है उसे भी सुनने को तैयार नहीं है। किसी तरह के अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं किए गए हैं कि पीएम मोदी जो बोलेंगे उसको यहाँ पर किसान सुने। इनका ये कहना है कि शाम को जो इनके किसान संघ के नेता हैं उनकी जब मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद ही मोदी के संबोधन पर किसानों की क्या राय होगी, क्या रिएक्शन होंगे, वो तमाम जो किसान जो अलग अलग जगहों से जो जत्थेबंदी आए हुए हैं वो आपस में तय करके मीडिया से बात कर सकते हैं। उसके लिए अभी हमें और 40-45 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संवाद शुरू होता है, उसके बाद फिर जो रिएक्शन आएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज किसानों को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भी अपनी राय रखी है। इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए वहां बैठे किसानों की राय क्या है। किसानों के आंदोलन का आज तीसरा दिन है, यानी कि इस आंदोलन को एक महीना बीत चुका है और पिछले एक महीने से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और किसानों का यही कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता, जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक वो यहां से नहीं जाएंगे। हम इस वक्त दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और सिंघू बॉर्डर पर स्थिति पिछले 30 दिनों जैसी ही है कि किसान जो है वो लगातार यहां पर अपने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। किसान यहां पर डटे हुए हैं और का यही कह रहा है कि यहाँ से तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक सारी मांगे नहीं मानी जाती है। और अगर किसानों की संख्या की बात करें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि पंजाब, हरियाणा और देश के अलग अलग हिस्सों से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और खास तौर पर यहाँ पर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के किसान यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे और किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से संवाद करेंगे। किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किश्त दी जाएगी किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ऐसे में यहाँ पर क्या किसान प्रधानमंत्री की बात को सुनेंगे क्योंकि सरकार भी किसानों को न्योता दे रही है कि बातचीत किया जाए, लेकिन कि सरकार की बात पर या प्रधानमंत्री के संवाद पर किसानों का क्या प्रतिक्रिया है ये जानने के लिए हम इस वक्त दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और सिंघू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत करते हैं कि आखिर किसान क्या सोचते हैं। जो भी लोग यहाँ पर है, प्रधानमंत्री किसानों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या आप लोगों को बातचीत सुनेंगे? हम लोग किसान यहाँ पर बैठे हैं, हमारे से बातचीत करें, हम वेलकम करते हैं। आज संवाद होगा, करीब 2 करोड़ किसानों से बातचीत होगी, वो सुनेंगे आप लोग आज? नहीं, बातचीत करें, हम तो कह रहे हैं हमारे साथ बातचीत करो। हम तो कह रहे हैं हमारे साथ करो बातचीत, सुनेंगे आप लोग? हाँ, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। हम लोग वो तो करें तो सही बात, 2,000 रुपया भी आज किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा किसान सम्मान निधि। 2,000 की जरूरत नहीं है हमको, 2,000 वाली बातें छोड़ो, हमको हमारे हक चाहिए, जो किसान का हक है वो मिले। हम लोग कुछ मांगने भी नहीं आए, हम लोग अपना हक जो है दो दे रहा है जबरदस्ती उसको वापस करने का, हमको जो पहले वही चलेगा। सरकार 2,000 रुपया आज प्रधानमंत्री किसानों के अकाउंट में डाल रहे हैं, जो किश्त है किसान सम्मान निधि योजना की वो दी जा रही है एक और, तो वो किसान उसके बारे में आपका क्या कहना है? 2,000 रुपया कौन दे रहा है? ये तो अपने लोगों को दे रहे हैं 2,000 रुपया। 2,000 रुपया हमको नहीं चाहिए, जिसके पास खेत है उसके खेत चले जाएंगे, वो 2,000 को क्या करेगा? सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपए अब तक मिला है वो किसानों के लिए फायदेमंद रहा है? हमको तो नहीं मिला, पंजाब में नहीं मिला ना। अच्छा। हम भी किसान हैं, किसी में पंजाब में किसी किसान को नहीं मिला अभी तक। ये तो मालूम नहीं किसको दे रहे हैं भाई 2,000 रुपया। प्रधानमंत्री का संवाद सुना जाएगा आज? हाँ जी, प्रधानमंत्री का संवाद आज, प्रधानमंत्री किसानों से बातचीत करेंगे, सभी मुद्दों पर बात करेंगे, वो आप लोग सुनेंगे कि क्या कह रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं सुनेंगे, हम तो ये अपने धरने पर रहेंगे यहाँ पे। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं।
देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो भी जो समर्थन कर रहे हैं इस किसान नए कृषि कानून का, और वो भी जो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, सभी अपनी राय खुलकर रख रहे हैं। विजय लक्ष्मी हमारी एक और सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद है, हम सीधा उनका रुख करते हैं। विजय लक्ष्मी, आपके साथ जो किसान हैं वो क्या राय रखते हैं, क्या वो समर्थन करते हैं इस कृषि कानून का? देखिए दिल्ली के द्वारका में मैं हूँ इस वक्त मीनाक्षी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन यहाँ पर भी सुनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में ही यहाँ पर होंगे। 18,000 करोड़ की जो नई किश्त है किसान सम्मान निधि की, वो आज 9 करोड़ किसानों के अकाउंट्स में ट्रांसफर की जाएगी। बहरहाल ये तमाम किसान यहाँ पर बैठे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ये किसान आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। हालांकि साफा बांध रहे हैं ये बताइए आप कहाँ से आता हूँ? दिल्ली से, सहारनपुर से। अच्छा, सहारनपुर से आए। ये बताइए कि बॉर्डर पे भी कुछ किसान बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जो बिल है वो काले कानून है, किसान का नुकसान होने वाला है उनसे। ये राजनीति सारी और कुछ ना से। अच्छा। बकवास कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहा था। तो ये कानून जो है ये अच्छे कानून है? ये अच्छे कानून है, सबसे अच्छे कानून है। प्रधानमंत्री भी देश के लिए अच्छा है, गला 65 साल देश गट्टे में गाल दिया। ये बताइए आपको लगता है, क्योंकि जो तमाम किसान बॉर्डर पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि इन कानूनों से आने वाली जो किसान की नस्लें हैं उसको भी नुकसान होगा, जो अभी की नस्ल है उसको भी नुकसान होगा, बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के जो हवाले एक तरीके से आगे आने वाले दिनों में उनकी जमीन चली जाएगी। आप लोग क्या सोचते हैं, ये वो किसान सोचते हैं जो विरोध कर रहे हैं? राजनीति है, काम खाने राजनीति है ही नहीं, राजनीति है। आप कहाँ से आए? ठीक है विजय लक्ष्मी, आप इन किसानों से बात करिए, लेकिन जो विरोध में है उनकी भी राय जाननी बहुत जरूरी है। गौनिका का रुख करते हैं। गौनिका, आपके साथ जो किसान है उनका क्या कहना है, उन किसानों से आप राय लीजिए, क्योंकि यहाँ तो जो किसान बैठे हैं द्वारका में वो ये कह रहे हैं कि राजनीति है और राजनीति खेली जा रही है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, तमाम किसान जो है वो इस वक्त मंच के पास मौजूद है, क्योंकि मंच पर संबोधन चल रहा है और पूरा दिन करीबन यही सिलसिला यहाँ पर देखने को मिलता है कि मंच से अलग अलग नेता या किसान जो आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, वो संबोधित करते हैं और तमाम किसान आकर उनकी बात को सुनते भी हैं। कई लोग अपने परिवार के साथ भी यहाँ पर पहुंचे हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। वही जितना किसानों से हमने आज प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर या फिर 2,000 रुपए की जो किश्त उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है उसको लेकर बातचीत की है, तो उस पर किसानों का ये कहना है, उस पर भी किसानों की राय जो है बटी हुई दिख रही है। कुछ किसान कह रहे हैं कि हाँ उनकी बात सुनेंगे, जो वो कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ किसानों का कहना है कि हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। और जहां तक 2,000 रुपए की किश्त उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने की बात है, उस पर उनका कहना है कि वो 2,000 रुपए उन्हें नहीं चाहिए और जो पहले की किश्तें हैं वो उन्हें नहीं मिली है। ऐसे में किसान यहाँ के जो खासतौर पर सिंगू बॉर्डर के किसानों की मैं बात करूं तो यहाँ पर किसानों में बहुत ज्यादा नाराजगी है, किसान भी पटे हुए दिख रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं कि बातचीत हो। और ज्यादातर किसान वो पंजाब और हरियाणा से आने वाले हैं जो विरोध के मुखर आवाज बने हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, अब लखनऊ का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रुचि भी जुड़ी हुई है लखनऊ से। रुचि, आपके साथ अगर किसान मौजूद हैं तो आप उनकी भी राय जानिए कि लखनऊ में जो किसान है वो क्या सोचता है। हाँ देखिए, ये जो मोहनलाल गंज है जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय किसानों को सम्मान कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे किसान मौजूद हैं जिनकी अलग अलग राय है। जो नया कानून आया है सरकार किसान हित में कानून है, किसान हित में कानून है, अच्छा कानून है, हम लोग का स्वागत करते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें कुछ दलाल लोग लगे हैं किसानों के बीच में, इसलिए उनको गुमराह कर रहे हैं। बाकी सरकार का जो कानून है अच्छा कानून है। आपको लगता है आपके हित में क्या क्या लगता है, क्या क्या चीजें फायदे की है किसान के लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नियम कानून लागू किया अच्छा है। माननीय योगी नाथ जी ने जो सोच है जो किसानों की अलग अलग राय है, और हम हर इलाके से आने वाले किसानों की राय दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, होंगे फौरन हाजिर इसी बड़ी खबर पर। हम बने हुए हैं।